सलामुअलैकुम। हम मंसरा से आए हैं साबर भाई के पास। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत खिदमत की है, ये माल लिया है बहुत अच्छे रेट में दिया है, बहुत ताहवन किया है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। तो इंशाल्लाह हमने अभी नया नया काम शुरू किया है, आगे भी प्रोग्राम है, हम इनके पास आते रहेंगे और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। तो मंसरा के, हम मंसरा से आगे बैरकुंड, तो किसी को इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, बजरिया साबर भाई के वसाजत से भी, और डायरेक्ट हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर साबर भाई नेट पे चढ़ा देंगे। एड्रेस भी बताओ ना मंसरा का, और इधर आके कैसा फील किया, कितने दिन रुके हो? ये चार दिन हम यहाँ रुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत खिदमत की हमारी, माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं। तो हमारा मुकम्मल एड्रेस है मानसरा खाकी रोड बैरकुंड, और छोटा भाई है उसका रेफरेंस दे देता हूँ, चीफ पोल्ट्री अब्दुल शकूर छोटा भाई है। तो इस ये हमने अभी नया काम शुरू किया है, इंशाल्लाह हमारा आगे वसी तक प्रोग्राम है काफ़ी दूर तक। तो जिस भाई को भी कोई मालूमात चाहिए हो, कोई जानवर ख़रीदना हो, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, साबर भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छे लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं और कारोबार को समझने वाले लोग हैं। तो वसलाम। कौन कौन से ब्रेड लिया है? मक्की चीनी, और ये सफ़ेद दुम्बे, मुख्तलिफ लिया, मिक्स लिया है। अस्सलाम वालेकुम, ये नुमान आया हूँ जी अटक से। तो साबिर भाई की वीडियो देखी है पेज पे, दुम्बों की, तुर्की दुम्बों की ना, चक्की वाले, वो कुछ पसंद है, पहली दफ़ा ख़रीदे हैं माशाल्लाह, अच्छा माल पसंद भी आया है वीडियो में जो देखे, इधर भी पसंद है, रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से बहुत मुनासिब इन्होंने दिए। देखिए अब लेके जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाले, दुआ करें साबिर भाई के काम में बरकत डाले, हमारे काम में भी इंशाल्लाह, तो ताल्लुक रहेगा इंशाल्लाह इनसे। अच्छा पहली दफ़ा ही आया इनके एरिया में और अच्छा पाया है इन्हें। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अटक कौन से गाँव से है? अटक मेन शहर से हैं जी, अटक सिटी से। कौन कौन सा या शहर सिटी कौन सा? मेन शहर अटक है, अटक। कितने जानवर लिए? हमने 10 दुम्बे लिए हैं जी। और किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? अवाम बिरादरी से। अवाम से। और चीज़ें कैसे मिली हैं आपको? ठीक है, जो वीडियो में देखी है वही चीज़ नज़र भी आई है यहाँ देखिए, और अपनी पसंद के लिए हैं, मतलब दाने चुन के। बाकी अटक वाले भैयाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कहेंगे जी, जब भी आए एक एतबार वाले बंदे के पास आए तो अपने एतबार पर अच्छी चीज़ ले के जाएँ, ताकि जहाँ भी बंदा जाए तो अच्छे अल्फाज में याद करे किसी बंदे को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। साबर को माल लिया तो माशाल्लाह साढ़े नाल बहुत ज़्यादा तावन किया नहीं, तो भाई सिकंदर साहब मेरे नाल नो, ते भाई शकील है, तो भाई आरफ है, तो बड़ा साढ़े नाल तावन किया नहीं, बहुत अच्छे माशाल्लाह अच्छे बंदे, सानू खुशी हुई है इन्हों को माल लिया, तो बहुत ज़्यादा तावन किया नहीं, साड़ी खिदमत बहुत ज़्यादा की नहीं, तो अच्छे रेट भी सुनी माशाल्लाह, असा मुतमिन ना, तो साबर भाई ने हमेशा इंशाल्लाह तावन साढ़ा जारी रहसी। तो सारे भाइयों का रिक्वेस्ट है कि साबर भाई का जड़ा ना इन्हों तावन किया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ जी, हमारा गुजर खान ज़िला रावलपिंडी, गुजर खान तहसील हमारी है, और माशाल्लाह साबर भाई ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन किया है। गाँव ठाकरा है, और हम मलक अवान है, कुतुब शाही अवान है। हमने 27 जानवर लिए। सही है। बाकी गुजर खान वाले भाइयों को या पाकिस्तानी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो? उनको मैं यही मैसेज देना चाहते हैं कि साबर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आने वाले मेहमानों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा तावन करते हैं, मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, तो हम इनके दिल से शुक्रगुजार हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी इनके साथ हमारा तावन रहेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ये हम डेरा गाजी खान आए हैं जी एबटाबाद से, तो ये साबर भाई के पास आए हैं, इनसे हमने तकरीबन 40-50 बकरियाँ ली हैं, कुछ गबन थी कुछ सुनार थी, बच्चे इन्होंने इधर डाले हैं, ये बच्चे हैं एसी में रख रहे हैं, उधर जगह तंगी गर्मी थी ना, तो बाकी अच्छा सौदा किया इन्होंने, अच्छी खाने पीने के लिए भी अच्छा बंदोबस्त किया है, रहने के लिए भी बहुत बेहतरीन जगह दी है इन्होंने। एबटाबाद कौन से गाँव से आए हैं भाई? एबटाबाद से हैं, एबटाबाद वैली इंटरचेंज के पास से आए हैं। गांव कौन सा है? मुस्लिमाबाद गांव है।
और कितने जानवर ले लिए टोटल? हमने तकरीबन 60-65 जानवर लिए हैं, कुछ गबन बकरियां थी, कुछ सुनार थी, कुछ बच्चों वाली थी, सॉरी। सही है। तो बच्चे बस इधर ऐसी में रखे। इधर आके किसी किस्म का मसला परेशानी तो नहीं? मसला भी परेशानी नहीं, बेहतरीन सिस्टम मिला है हमको यहाँ पे, रहने के लिए भी बेहतरीन जगह मिली है, खाने का भी बेहतरीन इंतजाम था यहाँ पे, रहस भी बेहतरीन। बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो आवाम देख रही है? बोलता हूँ भाई, जो भी आए वाजे, ये साबर भाई ग्रेट बंदा है, यकीन करें, मैं सही बात बोलूँ, अच्छा आदमी है, इनके साथ सौदा करें, नेट पे यूट्यूब पे इनका प्रोग्राम है भी है, वहाँ रब्ता करें, ये आप बेहतरीन इंशाल्लाह इनको पाएंगे। एक गाय भी ली है? एक गाय भी ली है, बिल्कुल। ठीक हो गया। कितना टाइम लगा एबटाबाद से डेरा गाजी खान? ये तकरीबन हमारे 12-13 घंटे लगे। मोटरवे से आए थे जीटी रोड से? आधा जीटी रोड से आए, आधा मोटरवे से आए। अच्छा, आप मोटरवे से जाएंगे? रोड से हम दरमियान से आए ना। अच्छा अच्छा, बस सही हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई, बड़ी मेहरबानी। बाकी ये माल वगैरह लोड हो चुका है भाई, और ये अभी रवाना हो रहे हैं, और ये गाड़ी नंबर है, और ये अभी रवानगी है साबिर गोट फार्म की तरफ से। आप भी हैं इंशाल्लाह ताला अच्छे और मुनासिब जानवर देंगे आप। अस्सलामु अलैकुम भाई जान, हम साबिर गोट फार्म पे आज आए हैं, हमने इनसे माल ख़रीदा है, माशाल्लाह इनने हमसे बहुत अच्छा तावन किया है और बहुत सस्ता माल लेकर दिया है, और ये हमने कार्गो की हुआ है। ज़िला मियाँवाली, तहसील पिपला, खानकाह सिराजिया। जानवर कैसे लेके दिए हैं? बहुत अच्छे जानवर लेके दिए हैं भाई ने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मायने होके जा रहे हो ना? जी जी, बड़ी मेहरबानी। जो मियांवाली से या पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? भाई जब भी आप आए इंशाल्लाह, भाई साबिर के पास आए इंशाल्लाह, आपको अच्छे जानवर लेकर देंगे। आप भी बोल दो सलाम। नहीं, बहुत मजा आया आपके साथ हमारा, और आपने मंडी में हमारे साथ बहुत तावन किया है, हम आपका दिल किया था गराज से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रजा खान कितरान है, और मेरे साथ भाई जुल्कर नैन है कितरान है, उधर अपना तहसील कमालिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सेंस से हम आए इधर, और हम पिछले साल भी आए थे इधर से, हमने 16 बकरे लिए थे, और आज भी इधर आए हैं, हमने तकरीबन 19 बकरियां ली हैं। अबलक है, मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह इनका ये सिस्टम है, तो हमारा पिछला भी कारोबार अच्छा रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। और भाई साबिर का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और ये सब हमें पहले फ़ोन पर रबता हुआ था, व्हाट्सअप पर हुआ था इनसे रबता, और इधर हम आए हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने तावन किया हमारे साथ, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वालेकुम जी, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम आए, और पहली दफ़ा साबिर भाई से भी मुलाकात हुई है, इनकी वीडियोस हम देखते रहे, और स्पेशली पिंडी से हम आए जानवर लेने के लिए अपनी कुर्बानी की जो ईद आ रही है उसके लिए, तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की साबिर भाई ने, और बहुत ही अच्छे जानवर जो है ना हमें मिल गए, और अपने रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने लेके दिए, बहुत तावन किया माशाल्लाह, बहुत प्यारे भाई हैं, जिसको भी आना हो यहाँ साबिर भाई से जो है ना रब्ता करें, खरीदारी करके सुबह घर पहुँच जाए, सुबह घर पहुँच जाएंगे हम इंशाल्लाह। एड्रेस भी बताओ दोस्त यार आ जाना देखने के लिए। जी बिल्कुल, ये GHQ के पास ही हमारा एरिया डेरी हसनाबाद, वहाँ से हम आए लेने के लिए, तो जिसने भी पिंडी से भी आना हो तो यहाँ पर साबिर भाई से आके रब्ता करें, माशाल्लाह बेहतरीन बकरे मिलेंगे। किसी किस्म का मसला परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, चुन के लिए अपनी मर्जी से बकरे लिए। पिंडी वाले भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो उधर से इधर आने का? मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी भाई है तो साबिर भाई से ही जो है ना रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको आपकी पसंद की चीज़ जो है ना लेके देंगे, और बेहतरीन चीज़ लेके देंगे। मेन रोड के ऊपर डेरा या साइड पे है? मेन रोड पर ही है, हर चीज़ की सहूलत है ना? जी जी बिल्कुल, हर चीज़ की सहूलत है। साबिर भाई से सारा बकरे वगैरह लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, और किसी को भी ले लें तो साबिर भाई के पास आएँ, डेरा गाजी खान में अच्छे प्राइस में मिलते हैं, और अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी में। कितने जानवर लिए हैं टोटल? हमने तकरीबन 26। कराची कौन से जगह से आए? कराची डिफेंस से आए। ये जानवर कहाँ पर रखोगे अभी? अपने फार्म हाउस पे, गडाब। गडाब में? जी। गडाब कौन से जगह पे? गडाब टाउन। गडाब टाउन में कितने जानवर लिए हैं टोटल? 26। ये गाड़ी है जी, इसमें हम लेके जा रहे हैं। तो इधर आके कैसा फील किया? कराची वाले भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कराची वाले भाइयों को यही मैसेज देना चाहते हैं, आप भी हैं और यहाँ से ले अच्छा माल मिलता है। कौन कौन सी नस्ल ली है? नस्ल
नस्ल कौन कौन सी ली है? मक्की चीना, राजनपुरी मक्की चीना और गुलाबी। अस्सलाम वालेकुम, सरफराज अहमद भट्टी मेरा नाम है और ज़िला गुजरांवाला उसका शहर तहसील कामोगी से मैं आया हूँ। साबर भाई ने जानवर दिखाए हैं, जानवर साहब बहुत अच्छे हैं और मज़ा भी आया, ख़रीद भी की है और इन्होंने तामन भी बहुत ज़्यादा किया है। तो उम्मीद है कि आंदा भी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें माल मिल रहा है। गुजरांवाला का एड्रेस भी बताओ ना जहाँ पे ले जाओ। कामोगी नहीं, क्या कामोगी गांव कौन सा है? नहीं, कामोगी खुद ही गाँव है, तहसील कामोगी। किस बैदरे से ताल्लुक रखते हो? बट्टी बरादराना। पहले मंडी भी विजिट कराई है ना आपको? हाँ, मंडी भी विजिट की है। जानवर मंडी से लिया या फार्म से लिया? फार्म से लिया। सही है, तो कैसी चीज़ें मिली हैं आपको? हाँ ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिली है। सही है, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी आए, देखें, अच्छी चीज़ें हैं, रेट भी मुनासिब है, फ़ायदा भी इसमें नज़र आ रहा है।